हेलो ना पब्लिक। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैंपियंस गेमिंग। तो भाई हम लोग वापस आ गए हैं एक और पोकेमॉन एश ग्रे के नए एपिसोड के साथ। सो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग आ चुके थे डिग्लेट केव तक, और उसके बाद डिग्लेट केव तक, और उसके बाद हम लोग जब डिग्लेट केव को पार किए तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर पूरा गार्डन बना कर रखा है बहुत ही सुंदर सा डिग्लेटों ने। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए फाइनली। तो उसके बाद हम जाएंगे रूट 14, मतलब अभी हम लोग हैं रूट 17 पर। अभी 17 से हम लोग जाएंगे सीधा रूट 11 पर, ठीक है। तो गाइस चलिए फटाफट से आज का एपिसोड शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत टाइम पास हो गया रे। और आज के टीम में कोई चेंजेस नहीं है, वी है मैंने कोई लेवल अप भी नहीं किया किसी पोकेमॉन का, 36 एक्सेप्ट पिजोटो। ओके, बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम ही है लेवल अप। और क्या है ये बाद में जो भागा था ना इसमें अपना क्या बोलते हैं लकी एग में, अरे लकी एग रहता ना मेरे पास साला सीन ही चला कर रहता, पता है। अगर लकी एग रहता तो मेरे पास, एक्चुअली मेरे इसके पास कोई ये नहीं है तो मैं उसको कुछ दे दूँ क्या। अब अपने फाइटिंग टाइप मूव्स नहीं चाहिए, इधर मैग्नेट इलेक्ट्रिक टाइप क्या ये है, कुछ नहीं है मेरे पास। चलो कोई ना गाइस, अभी चलते सीधा अंदर। ए योर लेसन इज जस्ट बिगिंस। अरे ये किधर से आ गई बे। वी हैव स्पेशल ट्रीट फॉर यू, अ ट्रीट विद एग्जीक्यूट न्यू फेवर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टीवी और न्यू पोकेमॉन्स। न्यू पोकेमॉन्स, नया पोकेमॉन पकड़ा गया है लोग ने, दो ही तो है। अबे सारा लेवल अप किया, अबे वही आरबॉक अपना एकंस का आरबॉक हो गया। कोई ना फिर भी ये हमारे से अभी भी छिंदी। फायर स्पिन करेंगे गाइस ताकि ये आग के अंदर फंस जाए, बहुत ही तगड़ा सा डैमेज पड़ रहा है इसको, आई नो दैट। और तू लीर कर डिफेंस फेल कर, हमारा कुछ भी हमसे कुछ फ़ायदा नहीं है बेटा, ये बेटे कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग करेंगे फ्रेम थ्रोअर और ये शायद से वन हिट मे बी। टाटा बाय बाय सी या यस गाइस, ये होता है ये, दिस इज चार्मेंडर, ये है हमारा चार्मेंडर बे। हलवा समझाए क्या। अरे इसको भी लेवल अप कर दिया सालों ने, नाइस बे। मतलब टीम रॉकेट दिन ब दिन तगड़ी होती जा रही है गाइस। अरे मिस नहीं है बाबा, मिस नहीं, अभी तो और मिस होएगा रे बाबा, अभी तो और मिस होएगा। ये नहीं करना था। फायर स्पिन, ओके थोड़ा बहुत डैमेज तो है। और इस बार हम लोग एक काम करेंगे, फ्लेम थ्रोअर सीधा मुंह पे मारेंगे इनके मुंह पे फ्लेम थ्रोअर मारेंगे। फ्लेम थ्रोअर चार्मेंडर, इनको सिखाओ, ज़्यादा सबक सिखाओ इनको। इनको पता नहीं है किससे पंगा लिया ये लोग ने, हर बार क्या ये लोग हमको मार के नहीं जाएंगे। कोई ना, इजी है वे। ये देख फ्लेम थ्रोअर ये ख़त्म हो गया, चलो फास्ट फॉरवर्ड में ख़त्म कर देते हैं इसको, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर हमारा चार्मेंडर जो है वो ड्रैगन रेज सीख रहा है, तो मे भी हम लोग उसको सिखा सकते हैं ड्रैगन रेज। रुक जाओ जरा, तो मैं रेज की जगह ड्रैगन रेज ले लेता हूँ, ठीक है। द फोर हिट्स शॉक इनफाइनाइट 40 HP डैमेज, ओके ड्रैगन रेज ही ले लेते बे। देखते हैं अगर अटैक थोड़ा बहुत फालतू रहा तो हम लोग बाद में किसी और अटैक से इसको स्वीप भी कर देंगे, कोई सीन नहीं, क्योंकि फ्लेम थ्रोअर तो मैं दे ही नहीं सकता, फायर स्पिन तगड़ा है। बचा कौन सा अटैक और किस कौन सा अटैक। अरे नहीं नहीं अभी इवॉल्व नहीं, टाइम नहीं है तेरा इवॉल्व होने का, अभी टाइम है इवॉल्व होने को। कैंसिल करो बाबा, कैंसिल, हाँ रुक गया ना। यू मे हैव बीटन आउट न्यूली इवॉल्व पोकेमॉन बट वी विल बी बैक। टीम रॉकेट फिर से फेल हो गई रे बाबा। चलो अंदर, ओके तो हम लोग आ गए यहाँ पर अंदर से, अभी सीधा हम लोग जाएंगे रूट नंबर 11 पर शायद से, हाँ रूट नंबर 11 पर ही था भाई, बहुत बड़ा रास्ता है रे। ना 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 ना, म्यूजिक आ रही है बे इसका,
पता तुमको, जब मैं अभी अंदर हूँ तो अलग म्यूजिक बचेगा और बाहर आऊँगा तो अलग, तुमको सुनाई नहीं दे रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुमको अलग ही बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है जो मैंने डाला है, तुमको गेम का साउंड नहीं सुनाई देगा। ओके, हम लोग आ गए रूट 9 पर फाइनली, और मैं अभी यहाँ से ट्री काट कर वो साइड भी जाऊँगा ताकि मैं पोकेमॉन सेंटर से जाके पहला पोकेमॉन हील कर पाऊँ मेरे। अभी हम लोग यहाँ पर, ओके हम लोग आ गए यहाँ पर हमारा पोकेमॉन सेंटर, हम लोग जाएंगे पोकेमॉन सेंटर में, पोकेमॉन्स को हील करेंगे और वापस से कल्टी मार लेंगे। चलो थैंक यू नोज़ॉय फॉर हीलिंग और पोकेमॉन, चलो चलते हैं अभी आगे। वैसे भी हमको और बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है वे। बाय द वे, वी आर इन द वर्मिलन सिटी अगेन, वापस से हम लोग वर्मिलन सिटी में आ गए। जिम तो ऐसी की ऐसी ही है, अपने को जिम का कुछ फ़ायदा नहीं है वैसे भी, अभी तो अपना काम हो गया है। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से आगे। ओके भाई जल्दी कार्ड दे, कितना टाइम लगाता है, इतना परमिशन बिजनेस का पूछने का, मैं दबाया ए तो कार्ड देने का। एक मिनट का मेरे को रेपल लगाना, तो मेरे को एक बार चेक करने का कि नीचे कुछ आइटम वगैरह मिल रहा है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि आइटम छोड़ने का नहीं बाबा, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास रेपल था ना, रेपल किधर है, रेपल लिया नहीं क्या मैंने, हाँ है ना, 5 ही है वे, वापस जा खरीदना पड़ेगा। देखते अभी नई सिटी, ओके यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हाँ ये देखो देखो, बोला था कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ढूंढो जरा। ये देखो मिल गया, ग्रेट बॉल मिल गया एक, चलो ठीक है, वैसे इतना भी कुछ खास नहीं है पर फिर भी चल जाएगा। अरे यार बैटल नहीं बे, मैं फास्ट फॉर्म में बैटल ख़त्म करूँगा चल। अरे मेरा 37 का हो गया ना ये, अबे यार किसी और को आगे करना पड़ेगा अभी, रुक जा, क्योंकि सबको अभी एक ही पोकेमॉन को अगर मैं इवॉल्व करता रहूँगा तो बाकी पोकेमॉन्स मेरे वीक हो जाएंगे ना वे। वाटर पल्स ही करते, क्रिटिकल हिट और ख़त्म। और ये मेरा पोकेमॉन जो है उसमें से मैं अभी स्क्वार्टल को आगे कर लेता हूँ, अबे हाँ स्क्वार्टल को आगे कर लेता हूँ, ठीक है बाकी को हम लोग बाद में देखेंगे। अबे यार ये किधर आ गए हम लोग, वो आई थिंक इट्स द सफारी जोन ना, या हम लोग सफारी जोन। अबे यार मेरे को लगा ये बात कुछ लॉल हो गया अपना, मेरे को लगा कुछ तो बात बीत करेगा। चलो मैं नीड मोर ट्रेनिंग, अरे भाई इधर भी सब जगह बैटल सी बैटल से क्या भाई, इधर रिपल ख़त्म हो गया। ओके अरे बाय 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 बाय, सीधा इधर से आगे जाऊंगा तो कौन सा रास्ता आता है, पर फिर भी क्योंकि बीच में जो है कुछ तो मिला, इसके प्रूफ मिल गया भाई, अच्छा हुआ मैं इधर टैप किया। चलो इसके अंदर जाके देखते हैं फिर भी, लेट्स सी क्या है अंदर। ओह ये तो एक जिम है बे, ठीक है। टू एंटर द पोशन चेंबर एंड द मास्टर अटैक द निंजा मस्ट टर्न साउथ एंड गो बैक। टर्न साउथ, साउथ कौन सा होता है, ऊपर नॉर्थ होता है ना, ये ईस्ट हो गया ये साउथ। टर्न साउथ एंड गो बैक, टर्न साउथ गो बैक। टर्न साउथ गो बैक, मतलब इधर क्या, नहीं तो उसने क्या बोला, इधर क्या लिखा है देखो, निंजा मस्ट टर्न साउथ एंड गो बैक, मतलब टर्न साउथ गो बैक। निंजा मस्ट टर्न साउथ, टर्न साउथ ईस्ट, अरे भाई क्या करने गए वे, टर्न साउथ एंड गो बैक, टर्न साउथ एंड गो बैक, ए क्या इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा, लेकिन उससे इधर बाहर कुछ है क्या बे, रुक जा मेरे को एक बार फास्ट फॉरवर्ड में जाके देखने दो।
द इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टैचू इन साइड दैट मैंशन इज रैदर एट इजेंट इट आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट रेफर्स मोर द स्टेटस इट सेल्फ देन मतलब बोलना क्या चाहते हो इसके अंदर एक मिनट ये ट्राई करके देखते हैं मेरे को एक अरे अरे बी दबाना था क्या अरे अभी मैं समझा बे भाई ये था क्या सुनो गाइस क्या करना पता मैं ऐसा पीछे गया ठीक है पीछे जाना इधर और फिर जब भी ये आएगा ना तभी बी दबा देना ठीक है बी ए नहीं दबाना ए बी दबाना ठीक है बी दबाना समझ गए अगर ए दबाओगे ना तो फिर वो यही दिखाएगा देखो समझे लेकिन अगर तुम बी दबाए ना ये देखो बी दबा रहा हूँ मैं अभी तुमको देखो ये आ गया विनी ट्रेनर्स ग्रे ऐश ग्रे ऐश विनिंग ट्रेनर्स कौन मैं कह दू जीत गया बे फंक्शन जिम लीडर को होगा विनिंग ट्रेनर्स गैरी ऐश अच्छा गैरी ने पजल सॉल्व किया करके क्या अच्छा अभी समझा मैं ए, ये कौन आ गया बे अरे वो कौन था ओके यहाँ पर बहुत सारे दीवार है जो तुमको दिख नहीं रही है सो बेसिकली तुम अरे इसके अंदर पोकेमॉन था क्या अरे भाई इसको फास्ट फॉरवर्ड में ख़त्म भी कर देंगे भाई इसका एक तो सुपर सोनिक पहले क्यों लग रहा है तो वो समझ नहीं आ रहा रुक जा मेरा पोशन 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 एक और पोशन चलो काम 25 मेरे को एक बार टैप करके देखना पड़ेगा वो कि यहाँ से जगह है देखो गाइस अगर आप लोग ए टैप करोगे ना ए टैप ठीक है मैं जीबीए वालों के लिए बोल रहा हूँ ठीक है कंप्यूटर वालों का मेरे को पता नहीं लेकिन हाँ इफ़ यू आर माय बॉय अगर आप लोग खेल रहे हो माय बॉय में तो आपको बस ए टैप करते जाना है ठीक है अभी ये वापस से आ गए बॉर्न इन डार्कनेस लिविंग इन डार्कनेस सच इन फेट निंजा आई एम आया निंजा वॉरियर माय वेनमोथ इनफॉर्म्ड लुकिंग वांट टू टेक मेंशन विदाउट हैविंग अ पोकेमॉन बैटल विद मी फर्स्ट ओके ये फालतू है ठीक है इससे तो हम लोग फास्ट अरे बाबा 32 और वॉट पॉइजन लेकिन अपने को इसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको ईजिली ख़त्म कर दिया जॉड और वॉट आई थिंक इसके पास मोस्ट प्रोबेबली फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स होंगे द वॉल्स वेयर मे अपियर टू बी इनविजिबल बट इफ़ यू टच देम दे विल लोकेट विल बी रिवील्ड हाँ मेरे को पता ही है मैं पहले भी खेला है डोंट वरी मीन्स टू डिफीट माई ब्रदर्स इन द बैटल निंजा वैनिश भाग गई रे वो लेकिन सारे जाते जाते मेरे को पॉइजन दे के गई फालतू का अभी एंटीट्यूड एनेटोड एनेटोड चलो काम हो गया चलो अगर हम लोग दीवार को टच करेंगे ना देखो यहाँ पर दीवार दिख रही है अभी ओके यहाँ से रास्ता है यहाँ से है ओके 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 यहाँ से रास्ता है ना अच्छा नहीं यहाँ से बंद है यहाँ से रास्ता है अरे पहुँच भी गए भाई ये लो अबे 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 ये क्या हो रहा है बे होगा माई सिस्टर आया स्टिल हैज लॉट टू लर्न यू विल नॉट बी परमिटेड टू लीव दिस वेनरेबल मैंशन अनलेस यू डू बैटल विथ मी आई एम कोगा द पोकेमॉन मास्टर ऑफ फुशिया जिम द सोल बैच विल बी yours इफ यू डिफीट मी ऑफ कोर्स गाइज लेट्स गो इट्स टाइम फॉर द सोल बैच इसके बाद दो पोकेमॉन से एक तो ये वेनमोथ अरे वेनमोथ नहीं रे हाँ वेनमोथ बराबर बोला मतलब मैं ओके सो इट्स अ फ्लाइंग टाइप बेसिकली सो अगर मतलब सेमी फ्लाइंग भी है और ये पॉइजन भी है तो क्या मेरे को मेरे पिकाचू को निकालना चाहिए लेकिन मेरे को ब्लास्ट अरे नहीं रे बाबा ये नहीं करना था ये नहीं करना था बेटे ये नहीं करना था सुलाया क्यू अवेकन यूज़ करो अवेकन यूज़ करो अवेकनिंग उठ जा स्पॉटल सिंगल बीम भाई
इतना डैमेज, बहुत डैमेज किया, बहुत डैमेज किया। अभी इसका सिंगल बीम पहले कैसे लगा बे, हर बे क्या सारे का 40 लेवल का पोकेमोन है बे। उसका बीटी तो है, मेरे को शायद से एक और बार बैटल करने आना पड़ेगा इससे, शायद से मैं हारूंगा ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी थंडर बोल्ट करके देखते, अगर लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा ऑब्वियसली। ओके ऑलमोस्ट गया ऑलमोस्ट, लेकिन सिंगल बीम में भी जाएगा, मैं जाएगा मैं मरेगा या मेरे को लगा ही था यार इसका बहुत खतरनाक अटैक है भैया। चलो 40 हार्ड को भेजते चारमेंडर को, और चारमेंडर फ्लेम थ्रो कर ले भाई, जा जाएगा फ्लेम थ्रो में जा। अरे नहीं अटैक मिस नहीं, अच्छा उसका अटैक मिस हुआ क्या, हाँ फिर बराबर है, उसका अटैक मिस हुआ तो बराबर है, अपना नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पर ये गया, सुपर इफेक्टिव मूव था आई नो दैट बिकॉज इट्स अ फायरिंग टाइप, लेकिन मेरे को ऑब्वियसली क्योंकि चारमेंडर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भाई। गोल बैट है नेक्स्ट, ओके मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको रिवाइव करके ला लूँगा वापस, मेरे पास रिवाइव तो होना चाहिए, देखना पड़ेगा रिवाइव है क्या मेरे पास, और है तो कितने हैं। अच्छा मेरे पास रिवाइव है ही नहीं, तो भारी सीन हो गया भाई। ड्रैगन रेंज करके देखता है, मैं ड्रैगन रेंज देखा नहीं है यूज़ करके क्या सीन है, तो पता तो है ड्रैगन रेंज अटैक, पर फिर भी जस्ट फॉर ट्रायल। साइकिक टॉस, अबे पॉइजन फ्लैंक नहीं बे, हाँ फिर भी बच गया बे। चलो साइकिक टॉस गया तो है, लेकिन कितना डैमेज करके जाएगा, नॉट वेरी मच, लेकिन फायर स्पिन कर गए थे जाते हैं, नहीं बे उससे पहले हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। ओके नाउ इट्स ऑल अबाउट अवर बल्बसोर, क्योंकि पीजीओटो का तो भाई कोई अटैक काम नहीं आएगा। देखो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं स्लीप कर तो पहले, ठीक है भाई प्लीज़, अरे नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ स्लीप 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 हो जा भाई, स्लीप हो जा भाई, स्लीप हो जा भाई, स्लीप हो जा। चलो स्लीप हो गया, अच्छी बात है। एक काम करते हैं भाई, रुको मेरे को ना एक बार सेव करना पड़ेगा ये, ठीक है आई नो भाई मैं वैसे चीट, अरे नहीं 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 मेरे को लगा ही था कुछ ना कुछ तो हगाएगा मैं, हाँ अच्छा वाह। अभी अपन करते हैं गीगा ड्रेन, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो अपने अंदर आ जाए, देखते गीगा ड्रेन कितना प्रभावी रहता है, कितना हेल्थ अपने को मिलती है। अरे क्या कुछ नहीं मिला मियाँ, क्या है भाई ये, रेजर लीफ ही करते भाई, एटलीस्ट हारेगा तो सही है भाई, प्लीज यार थोड़ा बहुत तो डैमेज दे जावे। अभी यार नहीं बे ये तो नहीं होना था ये, अरे वो कब, नहीं बाबा रुको रुको हट हट हट, गीगा ट्रेन करते ठीक है, गीगा ट्रेन हाँ बराबर बराबर ठीक है, गीगा ट्रेन बराबर हो गया। चलो अभी अपने को क्या करने का है, अभी अपने को अंत करा है एक और बार गीगा ट्रेन करने का है। चलो एक और बार गीगा ट्रेन करेंगे, अभी अपने को क्या करने का है, एक और दो बार करना पड़ेगा अभी गीगा ट्रेन, ऑप्शन नहीं है अपने पास, रुको सेव करके रखता हूँ मैं, ताकि अगर उड़ भी गया तो अभी हम लोग वापस एक बार, अरे उड़ गया रे बाबा, ट्राई वापस से ट्राई मारेगा उसमें कुछ नहीं है, अभी ये क्या उठेगा ही क्या हर बार, बट नहीं तो लोड वापस से करेगा, अबे आराम छा दे। अभी इसका अटैक पहले क्यों लग रहा है, लेकिन मेरा क्यों नहीं लगता है, ये देखो साले का अटैक पहले लग रहा है, नहीं मैं नहीं बोल रहा, मैं तो जब तक ये उठे और उठेगा ही भाई, ये उठेगा ही। चलो गाइस भाई बहुत बहुत भूकाल बच गया रे बाबा बाबा, हे भगवान, एरियल एस गस्ट अटैक क्विक अटैक क्विक अटैक, क्योंकि बाकी के अटैक पे मेरे को भरोसा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक फ्लाइंग टाइप अटैक है, लेकिन फाइनली हम लोग ने हरा दिया बाय द वे कोगा निंजा को, और नाउ वी हैव द सोल बैज belongs to us now, ah yeah, soul badge or what, now that you have the soul badge, the defense of your Pokemon rises, take it this, okay, ek aur TM06 bhi diya hai, toxic, okay, toxic, humko ek attack mila hai, jo hum kisi bhi, you can say, Pokemon ko sikha sakte hai,
अबे ये दीवारें अभी तक गई नहीं है क्या भाई? हरा दिया, अभी तो छोड़ दो दीवारों को। एक फोटो के लिए गाइस, एक ये ले लेते, ठीक है, फोटो के लिए बस। हाँ भाई, कोका निंजा ले लिया फोटो। चलो, मेरे को रास्ता याद है, चलो देखते कितना याद है। ओके, यहाँ से नीचे था शायद से। हाँ रास्ता याद है, याद तो है। हाँ याद तो है, याद तो है। बराबर जा रहा था, बराबर जा रहा था मैं। ये वापस से रीसेट हो गया। अच्छा नहीं ना गाइस, देखो मैं तुमको फिर भी एक और बार बताता हूँ, ठीक है, कैसा था। आपको यहाँ पर जाना है पीछे, ठीक है, फिर पीछे जाओगे ना आप लोग, तो आपको यहाँ पर जब भी ये गो बैक का बटन आएगा ना, तभी बस आपको एक ही जगह बी दबाना है, ठीक है। अगर आप बी नहीं दबाओगे तो ये नहीं खुलेगा, समझ गए? ये बात का याद रखना, ठीक है। अभी मेरे को आगे जाना है, मैं एक बार यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अगर आगे कुछ हुआ लफड़ा तो मेरे को वापस पीछे आना पड़ेगा। लफड़ा तो है भाई, पूरा आगे तक पूरा कुछ नहीं है बे भाई। मेरे को पीछे के कुछ सामान वीमान लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है अभी। सो गाइज, यही था आज का दी एंड। हम लोग को फाइनली एक और नया बैच मिल गया, जो कि है बैच और सोल बैच अभी हमारे साथ रहेगा। अभी हमको और बस दो ही बैच चाहिए, दो बैच और हम फिर चला जाएंगे इंडिगो लीग के अंदर। मैं तब तक यहाँ पर कुछ खरीद भी लेता, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं है सामान। अल्ट्रा बॉल, सुपर पोर्शन यहाँ पर, अरे रिविल रिपिल आ गया था भाई, मैक्स रिपल भाई। अरे भाई इतना नहीं चाहिए, रुक जा, 5-6 ले लेता हूँ, 6-6 आई थिंक इनफ रहेगा। और मेरे को अभी अपने पोकेमॉन्स को भी लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है। रिवाइव भी मैं ले लेता हूँ, ओके 5-6 ले लेता हूँ, चलो, क्योंकि आगे तक मुझे पता नहीं कितना आगे मेरे को मिलेगा नहीं। और मैक्स रिपल भी मेरे को चाहिए रहेगा, क्योंकि आगे मेरे को देखा बहुत सारा घास ही घास है आगे, पूरा बस ग्रासी एरिया ही है। और जितना पैसा बचा उससे भी हम लोग यही खरीद देते रहे पर, जितना कितना मिलेगा मैक्स, 5 मिलेगा ना, 5 ले देते, चलो। क्योंकि देखो रिपल अपने को काम तो आएगा, देखो अगर आगे मिला नहीं, कभी नहीं मिला फिर भी। और वैसे भी अपने पोकेमॉन्स भी अभी ले ये नहीं है, हील नहीं है, तो इनको भी हीलिंग देना पड़ेगा पहले जाके। चलो गाइज, इट्स टाइम फॉर द एंड ऑफ टू दिस एपिसोड। सो जीसस, अरे इधर कुछ है क्या अभी? सो गाइज, इट्स द एंड ऑफ टू दिस एपिसोड। सो गाइज, आज बहुत मजा आया खेलने को, लेकिन नहीं गाइज, हम लोगों ने फाइनली हरा दिया है कोगा निंजा को, द निंजा ऑफ कोगा को हम लोगों ने हरा दिया। एंड नाउ अभी हम लोग जाएंगे आगे, हमारे अगले सफ़र पर। आगे भी बहुत बड़ा बड़ा रोड है, मैं देखा, तुमको अभी तो दिखाया तो है मैंने, ठीक है। आगे हम लोग जाके तो आए, ये देखो यहाँ से आगे अभी ये क्या हो गया? अच्छा गेम अटक गया था, ये सोचा भाई ये क्या अटक गया भाई गेम। हाँ तो अभी हम लोग जाएंगे आगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि आज के एपिसोड में इतना ही, बहुत लंबा एपिसोड था आई नो, लेकिन देखो अभी जिम बैटल्स वगैरह रहेंगी तो मैं एक एपिसोड में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जो अभी जो स्टोरीज रहती है ना बैक स्टोरी, जैसे कि अभी आगे शायद से मेरे को लगता है वो कौन, वो जो आग वाला घोड़ा रहता है उसका नाम क्या है, जो भी है उसका कुछ तो सीन रहेगा, और उन लोगों का मतलब वो टॉरस वगैरह को भी पकड़ेंगे हम लोग शायद से। मे भी मेरे को इतना याद आ रहा है, मेरे को अभी सीरीज़ का इतना कुछ याद नहीं आ रहा है, पर फिर भी शायद से यही है आगे। तो अभी अपने को वही करना पड़ेगा आगे। सो ये जो सीन रहेंगे एक्सेप्ट बैटलिंग और जो मेन चीज़ें रहेंगी उसको छोड़ के, जो भी सीन रहेगा अपन सीधा फास्ट फॉरवर्ड में ख़त्म कर देंगे वो लोग, ठीक है, नहीं ताकि अपने को ज़्यादा टाइम पास ना हो, क्योंकि अपने को और भी बहुत सारे गेम्स खेलने हैं। सो गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू हिट दैट लाल कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, है कि नहीं? जब भी नया एपिसोड आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए ना, इसलिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है, टाटा।